हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा, इंडिया से इटली डायरेक्ट फ्लाइट से आने का बैन हटा दिया गया है। तो आइए मिनिस्टर दलासलूते के ऑफिशियल पेज पे जाकर देखते हैं कि इटली में आने से पहले और आने के बाद आपको क्या कुछ करना पड़ेगा और कौन से रेगुले फॉलो करने हैं। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, इटालियन सिटीजन के अलावा अब जिन सभी के इटली में रेजिडेंसा बना हुआ है वो भी आ सकते हैं, और इनके अलावा स्टडी बेस पे या फिर फैमिली वीजा पे भी एंट्री मिल सकती है। तो इटली में आने से पहले इंडिया में आपको कोरोना टेस्ट के अलावा PLF यानी कि पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना है, जिसके बारे में आगे कुछ ही देर में बात करेंगे और देखेंगे कि ये मॉड्यूल कैसे फिल करते हैं। उसके बाद इटली एयरपोर्ट पे आपका फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा, और चाहे आप नेगेटिव आए फिर भी आपको 10 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और आपका क्वारंटाइन पूरा होने पे एक बार फिर से कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ये सभी रेगुले जो नोवो डेक्रेटो से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये 25 अक्टूबर तक वैलिड हैं। तो अब PLF फॉर्म ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। आपको इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप चाहे तो इसे वहां से ओपन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले लेकिन आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये है वो साइट जहां आपने अपना PLF फिल करना है। तो इस फॉर्म की लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज आप अच्छे से समझते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये लैंग्वेज का ऑप्शन आपको फॉर्म के एंड तक शो होगा। आप किसी भी वक्त लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इन केस आपको कुछ समझ ना आए। आप सबके लिए मैं यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे, और नेक्स्ट पेज में अब आपको इस साइट पे रजिस्टर करना है, जो कि बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी यहां पे टाइप करना है, और उसके बाद एक कोई भी न्यू पासवर्ड सिलेक्ट करें और कंफर्मा के लिए नीचे रिटाइप करें। अब आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी आपने ऊपर टाइप की है उस पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जिसे आपको अपनी ईमेल में जाकर सिर्फ क्लिक करना है, जिससे आप दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो अब आप साइट में रजिस्टर हो चुके हैं। यही ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके आप अब लॉगिन हो जाएं। तो ये है PLF का फर्स्ट पेज। इस पहले पेज पे आपको सिलेक्ट करना है कैसी फ्लाइट से आप इटली में आने वाले हो, डायरेक्ट फ्लाइट से या फिर फ्लाइट विद स्टे। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स का फिल करके दिखाता हूँ, और बाद में नॉन डायरेक्ट का। ये नीचे दिया गया ब्लैंक स्क्वायर, अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो आपको इसे फ्लैग नहीं करना है, सिर्फ फैमिली के साथ ट्रेवल करने वाले इसे फ्लैग करें। यहां आपको अपनी एयरलाइन नेम लिखना है, तो मैं एक कोई भी एयरलाइन लिख देता हूं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये सेकंड ब्लैंक स्क्वायर आप में से किसी को भी फ्लैग नहीं करना है, ये सिर्फ प्राइवेट फ्लाइट्स के लिए है। आगे आपको अपना फ्लाइट नंबर टाइप करना है, और उसके बाद अपना सीट नंबर। तो सीट नंबर आपको या तो एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद पता लग सकता है, या फिर फ्लाइट के 24 घंटे पहले ऑनलाइन चेक इन करने पे। तो अगर आपसे हो सकता है तो आप ऑनलाइन चेक इन कीजिएगा, इससे आप ये फॉर्म घर से ही फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये एयरपोर्ट से खुद ही करना पड़ेगा, या फिर बाहर अपने किसी रिलेटिव से करवाना होगा। तो सीट नंबर लिखने के बाद आपको अपना बोर्डिंग कंट्री यानी कि इंडिया टाइप करना है, और उसके बाद डेट और टाइम ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट आपको बताना है अपना बोर्डिंग एयरपोर्ट नेम, तो आप दिल्ली पंजाब जहाँ से फ्लाइट लेंगे उस एयरपोर्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको फिर बताना है इटली में पहुंचने का अराइवल टाइम और फाइनल एयरपोर्ट नेम। तो यहाँ पे मैं मालपेंसा मिलान एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ कंटिन्यू करने से पहले आपको नॉन डायरेक्ट फ्लाइट्स का कैसे फिल करना है वो दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है। आगे जाकर डेस्टिनेशन में आपको जिस कंट्री में आपकी स्टे होगी, एयरपोर्ट नेम, डेट एंड टाइम ऑफ डिपार्चर फिल करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई सेकंड स्टे नहीं है तो आपको ये ब्लैंक स्क्वायर को फ्लैग करना है, और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि इटली में आने की फुल इंफॉर्मेशन देनी है। आपको सेम वैसे ही फिल करना है जैसे डायरेक्ट फ्लाइट के लास्ट पार्ट में आपको पहले दिखाया था। इस केस में लेकिन आपका बोर्डिंग कंट्री
इंडिया नहीं बल्कि जिस कंट्री में आपकी स्टे है वो होगा। तो ये सभी फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना पासवर्ड नंबर फिल करना है और बाद में अपना कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आपको अपना फुल परमानेंट एड्रेस फिल करना है और अगर ये एड्रेस वही है जहाँ पे आप अपना क्वारंटाइन करेंगे तो इस ब्लैंक स्क्वायर को ब्लैंक कर दीजिए। इस पेज पे और कुछ फिल नहीं करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में अगर आप चाहें तो कोई भी एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए। तो ये पेज फिल करना ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है फिल करना है या नहीं। नेक्स्ट पेज पे अब आपको अपनी बर्थ डिटेल देने के बाद अपने सिटीजन कंट्री बतानी है और उसके बाद ये ब्लैंक स्क्वायर को फ्लैग करना है। और अगर आपके साथ अंडर 18 चाइल्ड ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको एड पे क्लिक करके सभी की वन बाई वन फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। आगे आपको लास्ट 14 डेज में जिन कंट्री में आप रहे हो आपको वो एड करनी है। तो डायरेक्ट फ्लाइट वाले सिर्फ इंडिया टाइप करें और जिनकी जिस कंट्री में स्टे हुई थी उनको वो कंट्री भी एड करनी है। तो यहाँ पे मैं इंडिया और कतर एड कर देता हूँ। आगे अब आपको बताना है जिस रीजन में आप इटली में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लोम्बर्डिया ऐड कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन चूज करना है। तो इंडिया से आने पे इन ऑप्शन में से लिस्ट ई को सिलेक्ट करना है। कौन सी कंट्री किस लिस्ट में है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिनिस्टर दलसलूत की साइट पे भी मिल सकती है। अब आपको यहाँ पे इटली में ट्रेवल करने का रीजन बताना है। तो अगर आप स्टडी बेस पे आए हैं तो ये स्टडी वाला ऑप्शन चूज करें और अगर आपका यहाँ इटली में रेजिडेंस है तो आपको ये रिटर्निंग होम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फैमिली वीजा पे एंटर होने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे आपको अगले दोनों क्वेश्चन पे नो सिलेक्ट करना है और इसके बाद इस ब्लैंक स्क्वायर को भी फ्लैग करना होगा जहाँ पे लिखा है कि इटली में आते ही आपको अपने फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यहाँ नीचे अब आपको अपना फुल एड्रेस टाइप करना है जहाँ पे आप क्वारंटाइन करोगे और लास्ट में अब आपको बताना है कि कैसे आप इस एड्रेस तक पहुँचोगे। तो यहाँ पे मैं कार लिख देता हूँ, बेहतर होगा कि आप यहाँ बस या ट्रेन ना लिखें। तो आपका PLF अब पूरा कम्प्लीट हो चुका है। सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी फील्ड की हुई डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको ईमेल में एक QR कोड भेज दिया जाएगा जिसे आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके या आपके किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल हो, तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।